अच्छा बच्चों, हमें आप आजकल तो पता है कि हम क्या करते हैं, हमें कहीं पर जाना होता है तो हम मोबाइल में गूगल मोबाइल में जो मैप एप्लीकेशन होती है उसमें क्या करते हैं, जहाँ जाना है वही नाम लिख देते हैं और हमें वो लोकेशन बता देता है। इसी तरह बच्चों एक पुरानी यहाँ पर तुम्हें कुछ मैप दिए हुए हैं जिसको हमने हमारे मोबाइल नहीं थे तब हम क्या करते थे, मैप यानी कि मैप के जरिए हम कहीं पर भी जा सकते थे। तो बच्चों यहाँ पर तुम्हें वही दिया मैपिंग यानी कि हमें कहीं जाना है तो मैपिंग का यूज तो होना ही होगा। तो यहाँ पर तुम्हें अपनी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 112 ओपन करनी है और वहाँ पर देखना है असी इज गोइंग ऑफ इंडिया गेट टू सी द रिपब्लिक डे प्रिय विद द अदर चिल्ड्रन ऑफ हर स्कूल। बच्चों आशी जो है वो अपने स्कूल के कुछ बच्चों के साथ रिपब्लिक डे के दिन वो इंडिया गेट पर परेड देखने के लिए जा रही है यानी कि उसे परेड देखनी है। तो वो क्या करती है जो रिपब्लिक डे के दिन वो इंडिया गेट जा रही है जो दिल्ली में है। बच्चों एज द चिल्ड्रन सिट ऑन डाउन दे हैव समथिंग अबाउट इंडिया गेट ऑन हर लाउड स्पीकर यानी कि ये जो बच्चे हैं बच्चों सभी वो क्या कर रहे हैं कुछ देर देखते हैं उसके बाद वो आराम करने के लिए बैठते हैं तब क्या होता है वो लाउड स्पीकर में बहुत लाउडली आवाज सुन रहे हैं। तो कि टू द राइट ऑफ द प्रेसिडेंट इज द इंडिया गेट यानी कि यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो क्या करेंगे अब सैल्यूट करेंगे यानी कि वो सैल्यूट ले रहे हैं। दिस वॉज बिल्ट इज मेमोरी ऑफ द इंडिया सोल्जर्स हु डिड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी कि उससे क्या है बच्चों उसे पहले जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी कि जो पहला युद्ध हुआ था तो उसके उसमें जो सोल्जर मर गए थे यानी जिसकी डेथ हो गई थी जिस सोल्जर की उनकी याद में ये मनाया जा रहा है। देर आर लॉट्स ऑफ पीपल सिटिंग ऑन बोथ साइड राजपथ द मेन रोड अलोंग व्हिच द परेड पासेस यानी बहुत सारे लोग बच्चों वहां पर बैठे जो राजपथ है वहां पर बैठे हुए और जो परेड पास हो रहा है वो कहां से पास हो रहा है वो वही राजपथ रोड से पास हो रहा है। चिल्ड्रन आर टॉकिंग अबाउट द बिल्डिंग दे कैन सी अराउंड देम बच्चे क्या कर रहे हैं उसके आसपास जितने बिल्डिंग है वो सभी बिल्डिंग को वो देख रहे हैं। तो आप पिक्चर्स में देखो जो आपको पूरा पिक्चर्स दिया हुआ है तो कि सर टोल यूज दैट राज सर टोल यूज दैट राष्ट्रपति भवन फेस इंडिया गेट यानी सर ने कहा कि जो राष्ट्रपति भवन है वो बिल्कुल इंडिया गेट के सामने है तो कि सो दैट लास्ट बिल्डिंग ऑन योर राइट साइड मस्ट बी राष्ट्रपति भवन यानी कि हमारी राइट साइड में जो भी बिल्डिंग है बच्चों वो क्या होगी वो राष्ट्रपति भवन है। तो कि लुक आदिति दिस इज इंडिया गेट उसने क्या कहा आदिति वो देख वो है इंडिया गेट। तो बच्चों ये जो पिक्चर्स में तुम्हें दिखाई दे रहा है वो क्या है इंडिया गेट है बहुत सारे बच्चों ने देखा भी होगा। अब बच्चों नेक्स्ट पेज पेज नंबर 113 हियर इज द फोटोग्राफ टेकन फ्रॉम अ हेलीकॉप्टर बच्चों ये जो फोटोग्राफ तुम्हें दिखाई दे रही है हमारे टेक्स्ट बुक में वो एक हेलीकॉप्टर से ली हुई फोटोग्राफ है। यू कैन सी राजपथ द रोड विच जॉइंट इंडिया गेट टू राष्ट्रपति भवन यानी कि ये जो राजपथ है वो आप देख सकते हो तो कि जो रोड वो क्या है जो राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट को ज्वाइन करने वाला रोड है। मार्क वाज ऑफ द राष्ट्रपति विद आदिति बी आदिति राष्ट्र आदिति राजपथ पर कहां बैठे हैं आपको वहां पर टिक मार्क बनाना है। अब बच्चों आपको क्या करना है ये जो मैप दिया है वो आपको पूरा कंप्लीट देखना है। आप मैप वन में देखो पहले क्या है फर्स्ट स्टार्टिंग में राष्ट्रपति भवन है उसके नीचे विजय चौक फिर उसके बाद दो मार्क बताए रफरी मार्क एंड रफरी मार्क उसके नीचे है राजपथ राजपथ के दोनों साइड में जनपद है फिर राजपथ फिर मानसिंह रोड फिर कस्तूरीबा गांधी रोड
फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड और तिलक मार्ग, और लास्ट में बताया नेशनल स्टेडियम। तो बच्चों ये पूरा जो मैप था वो आपने देखा। अब क्या करना है बच्चों, उसके ऊपर से हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो चलो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बच्चों पहला है मैच द मैप एंड द फोटो, यानी आपको ये जो मैप दिया हुआ है उससे फोटो से मैच करना है। यानी यहाँ पर तुम देखो, यहाँ पर इंडिया गेट है, तो यहाँ पर तुम कहाँ पर इंडिया गेट बनाओगे। आपको फोटो और जो मैप दोनों दिया है इन दोनों को मैच करना है। अब उसके बाद हमारा पहला क्वेश्चन है, Have you seen a map of a city? क्या आपने कोई ऐसी सिटी देखी है? बच्चों जैसे दिल्ली है, इसी तरह हमारे यहाँ पर नजदीक में पालनपुर, फिर है मेहसाणा, अहमदाबाद, ऐसी बड़ी बड़ी सिटी है जिसके मैप होते हैं। तो कि लुक एट मैप वन, मैच इट विद द फोटो एंड फाइंड आउट वेयर इंडिया गेट इज, ड्रो इट ऑन द मैप। आपको क्या करना है बच्चों, पहले यहाँ पर क्या, Have you seen a map of city? क्या आपने कोई ऐसी सिटी देखी है? तो कि यस, Yes, I have seen a map. यानी कि मैंने ऐसी सिटी का मैप देखा हुआ है। फिर लुक एट मैप वन, मैच इट विद द फोटो एंड फाइंड आउट वेयर इंडिया गेट डो ऑन द मैप। आपको क्या करना है, मैप के अंदर जहां पर इंडिया गेट होता है वो आपको देखना है कि कहां पर आएगा, फिर उस पर इंडिया गेट ड्रॉ करना। तो बच्चों इसी तरह तुम्हें मैप में एक हेक्सागन जैसा दिखता होगा वो देखो, उसके ऊपर यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करके दिया हुआ है, फिर बीचों बीच एक सर्कल है जहाँ से सभी रास्ते निकलते हैं। तो बच्चे यहाँ पर जो तुम्हें एक प्लेस दिया हुआ है वहां पर इंडिया गेट है, तो आपको क्या करना है, वहां पर इंडिया गेट का जो पिक्चर्स है वो आपको ड्रॉ करना है। जैसे बच्चों नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 114 में आपको ड्रॉ करके दिया हुआ है, देखो 114 में आपको जैसे ड्रॉ करके दिया हुआ है, इसी तरह आपको यहाँ पर भी ये पिक्चर्स इंडिया गेट की ड्रॉ करनी है। अब सेकंड क्वेश्चन, सम रोड्स आर शो इन दिस पार्ट ऑफ द मैप, लुक फॉर थीम इन द फोटो। यानी बच्चों यहाँ पर जो मैप तुम्हें दिया हुआ है उसमें बहुत सारे रास्ते यानी रोड दिखाई दिए गए हैं, तो कितने रोड है और कौन से वो आपको वो मैप में लिखना है। यानी कि जो पहला फोटोग्राफ है उसमें आपको मैप देखना है, मैप के हिसाब से आपको रोड के नाम लिखने हैं। जैसे कि पहले तुम्हें जो दिया है वो क्या है, राष्ट्रपति भवन है, और उसके बाद में फोटो दिया, तो फोटो को तुम्हें बहुत बिल्कुल आसानी से दिखता होगा, तो वहाँ पर आपको राष्ट्रपति भवन, यानी कि यहाँ पर जो फोटो में दिखाई दे रहा है वहाँ लिखना है कि राष्ट्रपति भवन है। इसी तरह फिर इंडिया गेट भी दिखाई दे रहा है, तो आपको मैप में से नाम देखने और वहाँ जो साइड में फोटो दी है उसमें आपको लिखने हैं। अब थर्ड क्वेश्चन है, नेम रोड दैट यू विल क्रॉस ऑन योर वे फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट। यानी यहाँ पर कहें कि जब हम राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट जाते हैं तब रास्ते में कितने रोड्स आते हैं उसके नाम आपको लिखने हैं। यानी कि जैसे कि हम कहते हैं कि हमें पालनपुर से सिद्धपुर तक जाना है, तो उसके बीच में कितने छोटे छोटे सिटी या गांव आते हैं लिखो, तो इसी तरह से हम लिख सकते हैं कि जगह है, फिर छापी है, कानोदर है, ऐसे। तो इसी तरह यहाँ पर पूछा है बच्चों कि राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के बीच में कितने पास और कितने रोड है वो आपको लिखने। तो हम सेकंड का थर्ड का आंसर लिखते हैं, तो द रोड दैट वी, द रोड दैट वी कम क्रॉस on my way home.
जनपद जनपद एंड तिलकनगर। तो बच्चों क्या है यहाँ पर, क्योंकि डेड और डेड विल क्रॉस एंड क्रॉस ऑन माय वे फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट आई लवली माय जनपद एंड तिलकनगर। यानी कि जब हम राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट क्रॉस करते हैं तब हमें रास्ते में कितने मार्ग मिलते हैं, रफरी मार्ग, जनपद एंड तिलक मार्ग, ये तीन रोड हमें मिलते हैं बच्चों। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर, लुक फॉर द नेशनल स्टेडियम इन मैप वन, कैन यू सी इन द फोटो। यानी कि जो हमें मैप का फोटो दिया हुआ है मैप वन नंबर का, उसमें क्या हमें नेशनल स्टेडियम दिखाई दे रहा है, हमारी जो मैप में दिया हुआ है वो नेशनल स्टेडियम हमें फोटो में दिखाई दे रहा है, यस और नो। तो सीन ऑफ मैप वन बट कैन नॉट बी सीन इन द फोटो, यानी कि जो मैप वन में दिया हुआ नेशनल स्टेडियम है वो बच्चों हमें मैप में जो फोटो है उसमें दिखाई नहीं दे रहा। तो फोर्थ को हम क्या आंसर देंगे, सीन अ मैप वन बट कैन नॉट बी सीन इन द फोटो। आंसर है वो आपको अपनी नोटबुक में लिख रहे हैं। अब नेक्स्ट पेज बच्चों, द सेंटर हेक्सागन। तो आप बोल रहे इफ द जूम इन टू लुक मोर क्लोजली एट वन पार्ट ऑफ द मैप इट लुक लाइक दिस। बच्चों मैप वन हमें जो दिया हुआ है उसकी पिक्चर को जब हम जूम करेंगे यानी बढ़ाएंगे तब यहाँ पर जो सर्कल है वो तुम्हें जो पेज नंबर 114 पर पिक्चर्स दी हुई है उसकी जैसा दिखाई देगा। पर येलो कलर की आप देख सकते हो कितनी साइड है, 6 साइड है। तो कि दिस प्लेस इज कॉल्ड द सेंटर हेक्सागन, यानी ये जो प्लेस है 6 साइड वाला उसे हम क्या बोलते हैं सेंटर हेक्सागन। फाइंड आउट फ्रॉम द मैप, यानी आपको मैप ऊपर से कुछ फाइंड करना है, यानी मैप के ऊपर से आपको कुछ ढूंढना है। तो उसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ यू आर वर्किंग ऑन राजपथ देन आफ्टर इंडिया गेट ऑन व्हिच साइड वुड चिल्ड्रन पार्क बी। यानी बच्चे यहाँ पर कहा है कि जब हम राजपथ रोड से चलकर इंडिया गेट जा रहे हैं तब वह चिल्ड्रन पार्क हमारी कौन सी साइड में हमें दिखाई देगा, तो आपको उसका आंसर लिखना होगा। यानी कि जब हम राजपथ से होके इंडिया गेट जा रहे हैं तब हमें चिल्ड्रन पार्क कहाँ पर मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पर हमें एरो करके बताया हुआ है कि वो है चिल्ड्रन पार्क। तो आपको देखना है कि जब हम राजपथ हो बाबा स्टार्टिंग में दिया हुआ उससे हम इंडिया गेट जाएंगे तब हमें कहाँ पर वो दिखाई देगा, तो उसका आंसर लिख देंगे द चिल्ड्रन पार्क। चिल्ड्रन
सीजर्स पार्क, बूर्गी, बूर्गी ऑन, बर्गाइस्टाइन, आगे देखेंगे तब देखेंगे। तो आज हम यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।